है श्लोक, मल्टीनेशनल कंपनी में मोटी सैलरी पर नई नई नौकरी लगी है। इनका जीवन में एक ही उसूल है, खाओ पियो और मौज करो। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो टेंशन, नो पेन, दैट्स वाई नो इन्वेस्टमेंट। सैलरी आई नहीं कि निकल पड़ते हैं पार्टी शार्टी करने। गाना गुनगुनाते हुए एक रोज ऑफिस पहुंचे, लैपटॉप खोलते हैं, मेल चेक करते हैं। एक मेल को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर सीट से उठकर अपने सीनियर के पास जाते हैं। हेलो सर। हेलो सर, वो एचआर से एक मेल आया है कि कुछ टैक्स जमा कराने के लिए प्रूफ जमा कराना है सर, क्या? हाँ कर दो, क्या होगा सर? ये मेरी पहली नौकरी है ना, मुझे तो अभी मेल देख के पता चला कि कुछ टैक्स भी देना होता है। तो भाई जब इनकम होगी तो टैक्स भी देना पड़ेगा। सर ये माजरा क्या है थोड़ा समझाइए ना सर, ऐसे समझ नहीं। भाई जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना तो कंपनी की ओर से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है, कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा। तो टैक्स के हिसाब से जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसमें सेविंग का लाभ ले सकते हैं, टैक्स सेविंग का। तो आप जिन लोगों ने किया था उसका प्रूफ देना पड़ रहा है, और आपने इस बार नहीं किया डिक्लेरेशन तो अगली बार को आपके पास आएगा तब भर देना। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। श्लोक की तरह आप भी एक बात समझ लीजिए, कमाई है तो टैक्स है। मतलब अगर आप नौकरी से, बिजनेस से या किसी और पेशे से कमाई करते हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा। फिलहाल सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, इससे ज़्यादा कमाने वालों को सरकार टैक्स बचाने के मौके देती है। सैलरीड व्यक्ति को मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान किए गए निवेश के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म 12BB जमा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं कराते हैं तो सैलरी से ज़्यादा TDS कटने लगता है। अब चलते हैं श्लोक जैसे नौकरी पेशा लोगों को HR से आए मेल पर और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर नौकरी पेशा व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या सभी को दस्तावेज जमा करने होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आपने छूट एवं कटौती वाली पुरानी कर व्यवस्था चुनी है तभी आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना होता है। नई कर व्यवस्था चुनने वालों को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। निवेश से जुड़े कौन से दस्तावेज जमा करने होते हैं? जब निवेश की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में 80C घूमता है। IT एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स से छूट है। ये निवेश जीवन बीमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, सुकन्या समृद्धि योजना, टैक्स सेविंग FD, राष्ट्रीय बचत पत्र में किया जा सकता है। आपके हिस्से का EPF कॉन्ट्रीब्यूशन, बच्चे की स्कूल फीस, होम लोन का मूलधन, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और घर खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन चार्ज भी इसमें शामिल है। इनका स्टेटमेंट आपको ऑफिस में जमा करना होता है। वहीं सेक्शन 80CCD के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश किया जा सकता है। NPS में 50,000 रुपए तक का निवेश टैक्स छूट के दायरे में है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा लीव ट्रेवल अलाउंस, हायर एजुकेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन के ब्याज पर भी टैक्स में रियायत मिलती है। सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इस छूट का लाभ लेने के लिए आपको बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों का जिक्र होता है। जो नौकरी पेशा किराए पर रहते हैं और उन्हें कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वे एचआरए क्लेम कर सकते हैं। कर्मचारियों को किराए की रसीद, रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक को फंड ट्रांसफर के सबूत जमा करने होते हैं। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो मकान मालिक का पैन कार्ड लगता है। 5,000 रुपए से ज़्यादा का किराया नकद लेने पर किराए की रसीद पर रेवेन्यू स्टाम्प लगता है। प्रूफ जमा करने पर कुल आय से एचआरए की रकम घटा दी जाती है। जहाँ पे आपकी ऑफिस है, जहाँ पे आपकी जॉब चल रही है वो दूसरा शहर है, और उधर आप रेंट पे ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको HRA का बेनिफिट मिल जाएगा। और जहाँ पे आपका होम टाउन हो सकता है या दूसरी कोई जगह हो सकती है जहाँ पे आपने घर परचेस किया है होम लोन लेके, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो ये दोनों सेक्शन का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपकी दोनों अलग अलग शहर में ये दो अलग घर है, एक रेंट पे और एक लोन पे, ऐसा भी हो सकता है
कि आपका घर एक जगह पे है, वो शहर भी एक ही है और आपने दूसरा रेंट पे भी वही शहर में घर लेके रखा है, क्योंकि आपका घर शहर बहुत बड़ा है, आपका घर एक कोने में है शहर के और आपका जो जॉब है वो उससे काफ़ी दूर है, तो आपको वो ट्रैवलिंग से बचने के लिए आपने ऑफिस के आजू बाजू में इर्द गिर्द में कहीं पर आपने घर रेंट पर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा प्रावधान है कि आप ये दोनों सेक्शन, जैसे कि आपने हमने बात की, ये दोनों सेक्शन का फ़ायदा उठा पाएंगे, आप HRA भी क्लेम कर पाएंगे और अपना जो हाउसिंग लोन है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर पाएंगे। जब बात आती है आपके टैक्स सेविंग्स प्रूफ जमा करने की, तो जो जो डेट्स आपको ऑफिस से बताई दी गई है या ड्यू डेट है, तब तक आपको बिल्कुल से आपके प्रूफ जितने भी आपने, जैसे हो गए आपका ATC के अंडर हो सकता है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करके रखा है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसका रिसीट हो गया ATD के अंदर, जो भी है आपने शायद डोनेशन किया है ATG के अंडर, ये सारे प्रूफ जब आपने डिस्क्लोज करके दिए है, अभी आपका जब समय है ये सब सबमिट करने का, तो आपको HR के साथ ये बराबर से सबमिट करने हैं, सब आपको उसकी जेन्युइनिटी आपको देखनी है। श्लोक की तरह आप भी समझ गए होंगे कि नौकरी वालों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ कराना, जमा कराना कितना ज़रूरी है। इन सभी निवेश और छूट के कैलकुलेशन के बाद टैक्स देनदारी बनती है। अगर आप इन दस्तावेज को जमा नहीं करेंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर के बाकी बचे महीनों में आपकी सैलरी ज़्यादा कटेगी। श्लोक ने टैक्स बचाने के लिए अब तक निवेश नहीं किया है, लेकिन उनके पास 31 मार्च 2023 तक निवेश का मौका है। हालांकि आपको वित्त वर्ष की शुरुआत में ही टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपने निवेश किया है लेकिन डेडलाइन तक प्रूफ जमा नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आयकर विभाग को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करके TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।